राष्ट्र संत भय्यू महाराज को बुधवार के दिन हजारों चाहने वालों ने भावभीनी विदाई थी। इस दौरान सूर्योदय आश्रम से लेकर शमशान घाट तक भारी जनसैलाब दिखाई दे रहा था। बुधवार सुबह संत भय्यू महाराज की पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए सूर्योदय आश्रम पर रखी गई थी, जहां हजारों लोगों ने उनके दर्शन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अंतिम दर्शन के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र सहित देश भर से उनके कई अनुयायी अंतिम दर्शन के लिए आए हुए थे। श्रद्धांजलि देने वाले लोगों में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी पहुंचे थे। श्रद्धांजलि देने के बाद वे वहां कुछ देर ठहरे और फिर वहां से रवाना हो गए। उनके अलावा महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे सहित मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सुबह महाराज को श्रद्धांजलि देने वालों में महापौर श्रीमती मालिनी गौड़, वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्ण मुरारी मोघे, विधायक रमेश मेंदोला सहित अन्य तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे थे। इनके अलावा तमाम संत समुदाय, समाज सेवी संगठन से जुड़े लोग भी मौजूद थे। भय्यू महाराज को श्रद्धांजलि देने वालों की संख्या काफी तादाद में थी, लिहाजा डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र और इंदौर कलेक्टर निशांत परवड़े स्वयं पूरे समय मौजूद थे और उन्हीं के निर्देशन में भारी पुलिस अमले ने यह व्यवस्था संभाल रखी थी। शमशान घाट पर भय्यू महाराज को उनकी पुत्री कुहू ने मुखाग्नि दी। शमशान घाट पर इतनी अधिक भीड़ थी कि वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हर व्यक्ति चाहता था कि वह शमशान घाट के अंदर प्रवेश करे, लेकिन स्थिति यह है कि वहां तक पहुंचना काफी मुश्किल लग रहा था। हालांकि अंतिम दर्शन के समय सूर्योदय आश्रम पर काफी संख्या में उनके अनुयायी, प्रशंसक और भक्तों ने दर्शन कर लिए थे। बहुत सारे हैं, हादसा तो बहुत दुखद है। गुरुजी ने सही बोल तो हम जो उनके शिष्य उन पे अन्याय किया है वो तो कुछ शांत हुए, लेकिन हमको सबको अशांत कर दिया गुरुजी ने। बहुत सारे संस्मरण हैं गुरुजी के, लेकिन उन्होंने हम सब शिष्यों का तो नुकसान हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ देश का, समाज का ही बड़ा नुकसान हुआ है। देश के लिए यह बहुत दुख की घड़ी है,
सिर्फ संत समाज नहीं, पूरा देश इस दुख में सहभागी है। उनके परिवार को और उनकी आत्मा को शांति मिले, यह उस समाज के लिए भी क्षति है और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह बहुत बड़ी क्षति है। आने वाले समय में हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि उनके जो उस सर्वोदय आश्रम के माध्यम से उन्होंने जो उस तबके के लिए योजनाएं चलाई है, आगे उनके कार्य को हम सब मिलके उनके कार्यों को आगे बढ़ाए, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनको। एक भैयू महाराज का इस तरह से चले जाना राष्ट्र के लिए एक हानि है। गरीबों को के सुनने वाले, गरीबों को हमदर्द आज इस दुनिया से रुखसत हो गया, ये बहुत दुख का विषय है। गमगीन समय है ये, और हमारे बीच के सदगुरु संत से भैयू महाराज जो सामाजिक क्षेत्र में धार्मिक क्षेत्र में अच्छा काम करते थे, और जब हमने सुना रात्रि में मैं बाहर से आया तो बड़ा कष्ट हुआ, और मैं आपके माध्यम से भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में उनको उनको सबको सक्षमता की आज्ञा प्रदान करें, और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग साथ हैं। एक भारतीय सनातन वैदिक परंपरा में एक धर्म का स्तंभ आज इंदौर से चला गया है, ये बड़े दुख।